हर पॉलिटिकल पार्टी में कुछ करप्ट लोग रहते हैं, लेकिन ये तृणमूल कांग्रेस करप्ट लोगों की पार्टी बनी है। आज 13 फरवरी 2019 लोकसभा पास हो गल चिट फंड बिरोधी बिल। स्वाभाविक कारण तृणमूल सांसदरा बिलेर बिरोधित नेमे पड़े, तब कांग्रेस अधीर रंजन चौधरी और सीपीएम मोहम्मद सलीम बिल के समर्थन करते गए तृणमूल के तुलोधना करें। मोहम्मद सलीम जो वक्तृता कर तक समस्त बीजेपी सांसदरा एवं पीयूष गोयल पेंच बाजिए समर्थन करें। जब भी चीट फंड या ये पोंजी स्कीम का मामला आता है कुछ लोग हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, और ये हम बंगाल से आए हुए हैं और हमारा अनुभव है, और आज भी आप देखेंगे चाहे सदन के अंदर हो चाहे सड़क पे हो, खास करके हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो चीट फंड के पैसे से ही मुख्यमंत्री बनी है, और यहाँ ऐसे बहुत से सांसद हैं जिनको जेल में रहना चाहिए था। हर पॉलिटिकल पार्टी में कुछ करप्ट लोग रहते हैं, लेकिन ये तृणमूल कांग्रेस करप्ट लोगों की पार्टी बनी है, और उसमें कुछ लोगों को जुगाड़ किया गया है। हम पिछले 17 साल से कहते आ रहे हैं, आज पूरे देश को मालूम हो ये स्कीम को बैठ करने के लिए 2002 में बंगाल के वामफ्रंट सरकार जब एनडीए की हुकूमत थी तब ये बिल हम बनाए थे बंगाल में, लेकिन चूंकि तृणमूल कांग्रेस बीजेपी के साथ वाजपेयी जी की सरकार में थी इसलिए केंद्र सरकार उस बिल में एक्सेप्शन नहीं दिए। पीयूष गोयल जी का समर्थन करते हैं, धन्यवाद करते हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं, इसमें तृणमूल के आधा दर्जन एमपी को भुवनेश्वर के जेल में रहना चाहिए था। मुख्यमंत्री कही जो किया सो किया, जरूरत पड़ेगा इन तृणमूल कांग्रेस के चोरों के मकान नीलाम करके इनका कपड़ा उतार करके गरीब जनता का पैसा को वापस करना पड़ेगा, ये मांग मैं करता हूँ। गरीब है वो, गरीबों को पैसा लूटा गया, और आज यहाँ जो शोर मचाते हैं मुझे लगता है इनको ये कहना चाहिए कि चोर मचाते शोर, ये सारे चोर है बंगाल के, और बंगाल के लुटेरा को साथ दे रहे हैं। तो मैं इस बिल की समर्थन करता हूँ, लेकिन हमें कुछ कहना है इस बिल पे, जैसे कि ये अनरेगुलेटेड डिपॉजिट की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन सही नहीं है, इसमें कोई एम्बिग्यूटी है। लेकिन बंगाल में 25 लाख से ज्यादा लोगों को धन लूटा गया, वो गरीब बेचारा वो अभी भी परेशान है, वो पैसा जमा करने नहीं सकते। मैं सरकार से अपील करूंगा जो धन लूटा गया वो धन को वापस करे, वो गरीबों को ही लूटे हुए धन को वो वापस करे, कोई लूट का छूट नहीं होना चाहिए, जो लूटे हैं वो लुटेरा को सजा होना चाहिए। बंगाल में 20,000 से 30,000 करोड़ रुपया धन की लूट हुए हैं इन लोगों की जमाने में। ये जो लोग हैं बंगाल के सत्ते में, ये बंगाल के सत्ताधारी पार्टी और जो बड़ा बड़ा चीट फंड की कंपनियां हैं, ये मिली भगत ये लूट किए हैं, तो लुटेरा को साजा होना चाहिए।